हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी टीम जा रही है गणनाथ मंदिर, जो सोमेश्वर क्षेत्र का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त मंदिर है, जहां लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। लोग जाड़ों में पूष के महीने में वहां अधिकतर जाते हैं और भगवान गणनाथ का वहां आशीर्वाद लेते हैं। गणनाथ का मतलब गणों के नाथ के रूप में भगवान शिव वहाँ विराजमान है। वहाँ गणेश और गौरी गणेश के साथ भगवान शिव वहाँ विराजमान है। जैसे आप वहाँ जाएंगे, आपको सब दर्शन होगा। इस प्रकार का वहाँ पे दिखता है, जैसे कंदराओं से गंगा जल बह रहा है और शिवलिंग के ऊपर पूरा गिर रहा है। बहुत ही भव्य अलौकिक अद्भुत नजारा आपको वहां पर देखने को मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं गणनाथ मंदिर, जो कि खन्नी भाई बताएंगे, क्योंकि खन्नी भाई पहले भी गए हुए हैं, तो बताइए। तो दोस्तों, गणनाथ मंदिर जाने के लिए दो रूट है। एक है आपका सोमेश्वर होते हुए, दूसरा है ताकुला होते हुए, जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। सोमेश्वर वाला जो रूट है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, काफ़ी कच्चा रास्ता है। तो यहाँ से ताकुला होते हुए काफ़ी अच्छा रास्ता है, लगभग 2-3 किलोमीटर कच्ची सड़क है। तो इस रूट से चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे आने वाले ब्लॉग। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यार पहले बसोली। यहाँ से अपना गणनाथ मंदिर, और जो ये वाली रोड है आपकी, ये बागेश्वर की रोड है, बागेश्वर जाती है पूरी। और यहाँ से अपना 8 किलोमीटर अंदर है मंदिर। ये राइट हैंड की तरफ, तो इस वाली रोड में जाना है। पर पूरी खड़ी चढ़ाई है यार ये, और हम आ रहे हैं 3 जने। तो कैसा लगा अभी आपको चढ़ा के यहाँ? बहुत बढ़िया, हम पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं ये हमारा पहली टाइम है। तो यहाँ पर लगा दी हमने अपनी बाइक, क्योंकि वो बाइक नहीं ले जा रहे यार ऊपर। सबसे पहले यार अल्मोड़ा से ताकुला अपना 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर से जो ये गणनाथ मंदिर है। और ताकुला जैसे आप लोग पहुँचेंगे, ताकुला में एक आपको गेट लगा हुआ मिलेगा गणनाथ मंदिर का, और जो कि मेन रोड से जो मंदिर तक की दूरी है वो 8 किलोमीटर है। और 4 से 5 किलोमीटर अपना गाड़ी आती है, और 5 किलोमीटर बाद अपना पैदल रास्ता है। तो पैदल पैदल भी चलना चाहिए, बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा आपको मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं गणनाथ के मंदिर में, और यहाँ पे पहले 2 मंदिर हैं। ये है गणेश जी का मंदिर, और उधर रहा अपना हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर पे चलते हैं, हनुमान जी का मंदिर। तो पहले यहाँ दिखाता हूँ, ये है अपना, इसमें खास बात ये भी है मंदिर में, मंदिर के ऊपर देखिए मंदिर से निकला हुआ है पेड़ ये। तो इधर से चलते हैं ऊपर को, अपना मंदिर इधर साइड को है। आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो? मंजिल की तरफ, हाँ हाँ। भटकता वो है जिसको हाँ। अपनी मंजिल का पता नहीं होता, आपको तो है ना। पड़े हैं मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ, ये इन्होंने उठाया डंडा। केदारनाथ में नहीं जाते जैसे? हाँ चलेगी, हम भी चल रहे हैं अभी। तो यार आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर पे। ये देखिए इनका बचपना, ये तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गणनाथ मंदिर। तो फर्स्ट दुकान हमारी आ चुकी है, जो कि चाय आई की है। तो ये रहा गणनाथ मंदिर, और अभी आप लोगों को मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये है यहाँ का मेन गेट। तो आप लोग देखिए यार यहाँ पे यह शिवलिंग, और ऊपर से पूरा पानी आ रहा है, यह है यहाँ की खास बात। और अभी आप लोगों को मैं अंदर का दिखाता हूँ। अच्छा,
ये जो ये पानी का जो ये ऊपर से अभी दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, जब आप यहाँ से ऊपर चढ़ोगे तो ये पानी आपको कहीं नहीं दिखाएगा। अच्छा अच्छा, एक ऊपर नौला है। अच्छा, तो केदारनाथ से यहाँ पानी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऊपर जंगल में कहाँ पानी होगा बता। ये तो है, अभी जब यार यहाँ से चलेंगे ये तो पूरे 12 महीने तक आता होगा पानी, 24 घंटे। अच्छा, कभी भी पानी यहाँ का बंद नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, इतने साल से जब हम जल के थे तब से हमने यहाँ शिवालय में यहाँ बड़ा सचंडी होती है, भंडारा होता है, सात गाँव हमारे खतराली आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो सब मिल के भंडारा करते हैं साल भर में, होलियाँ आती हैं यहाँ भगवान के दरबार में, तब जाके आज चतुर्दशी के दिन फिर आती है, क्योंकि उसमें शिव जी का दिन है। सात गाँव के ढोलक होंगे, सात गांव के लोग होंगे, सब यहाँ अलग अलग जगह एक एक वाले का इनका है फल यहाँ पर करेंगे। अच्छा अच्छा, और दूसरे वाले एक साइड में इधर करेंगे जो आगे वागन है, दूसरे वाले इधर करेंगे। रात के बाहर एक महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति। यह तो ये रहा यार, आप लोग भी आए जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, पानी तो बहुत ठंडा है, पानी को देखते हैं। अरे बाप रे, गजब ठंडा है। हाँ हाँ, थोड़ा अपने यहाँ पर धीरे धीरे जो है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर पानी डालने से यार पानी भी मतलब अभी गायब हो जाएगा पानी यहाँ पे, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो ये रहा गणनाथ का मंदिर, और आप लोगों ने अभी देखा कि पानी आ रहा है ऊपर से और शिवलिंग को पड़ रहा है यहाँ पे, और पानी काफी ज्यादा ठंडा है। सब लगाओ, सब उनके पंडल लगाओ, ये पहचान है यहाँ की, दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। उषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया गए वहाँ से, थोड़ा सा इधर को चलते हैं भी मंदिर की तरफ, ऐसे सारा ये है यहाँ पे। तो इधर साइड से आ रहा है पानी और वो पड़ रहा है सीधे शिवलिंग पे, और सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है सारा है। मज़ा आ गया यार इस मंदिर में आके, पूरा ठंडा ठंडा सा हो गया है। यह सारा इधर इधर तक का है, और इसके बाद अभी एक मंदिर और है, देवी का मंदिर है, तो वहाँ भी जाएंगे। वो जस्ट मंदिर से बाहर निकल के ऊपर साइड में है कहीं पे। तो मंदिर से हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं देवी के मंदिर में। ये चल लिए हैं पैदल, यहाँ से 400-500 मीटर है और है। हाँ, यहाँ से जो है वैसे ऐसे भी जा सकते हैं हम, ऐसे लेकिन उधर उतरा जैसा ना मंदिर का गेट दिखाई दे रहा, देखो। हाँ हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, देवी का मंदिर है, और चलते हैं भी अंदर
अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं। आइए तो चलते हैं गेट की तरफ को अपना। ये है, ओहो दोनों भक्त। चलो आप भी तो भक्त हो, हम भी भक्त हैं, हमारी कोई वीडियो नहीं बनाता ना, हम खुद ही बना लेते हैं। ये समाधि है बाबा की। अच्छा, तो ये रहा यार माँ मल्लिका देवी का मंदिर, और काफी प्यारा मंदिर है, बिल्कुल टाइल्स वाइल्स लगा के बहुत ही प्यारा मंदिर है। और अभी जैसे यहाँ पर हम पहुँचे हैं, उसके बाद अभी पहले पानी पियेंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय दर्शन। अभी देखते हैं यहाँ से हिमालय भी दिखते हैं। हाँ पेड़ लग गए थोड़ा, ऐसे देखेंगे भैया हिमालय, और थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको, चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। आ जाओ से दिख रहे हैं पूरे हिमालय, थोड़ा सा पेड़ लगा है। एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर, धूप सेक रहे हैं और सामने हिमालय के दर्शन भी कर रहे हैं, आराम से मजा आ रहे हैं। यहाँ पे तीन मूर्तियाँ भी हैं ठीक मंदिर के सामने, और यहाँ पे अभी खाना खुल चुका है, तो हम भी थोड़ा बहुत प्रसाद देखते हैं, ग्रहण करते हैं। वो एक एक करके सबको खाना मिल गया है यहाँ पे, तो अभी एक बार फिर से एनर्जी आ गई यार। अभी जब हम पूरा अपना गणनाथ से ऊपर चढ़े थे तो एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी, और अभी यहाँ पे कुछ ही देर पहले भंडारा हुआ था, तो आप मंदिर में आए और हमारे साथ भी एक चमत्कार जैसा हो गया, क्यों और खाना आना हो गया बढ़िया करके, और भूख भी मिट गई है और मज़ा आ गया यार फाइनली। ये सेम वही वाला सीन हो गया अपना विमल गोट वाला, तो अपने आपको हम बहुत लक्की मानते हैं, लक्की मानते हैं, सौभाग्यशाली भी मानते हैं, दोनों एक ही है। तो बहुत बढ़िया लगा यार यहाँ पे। बाकी चलते हैं धीरे धीरे, टाइम भी ज़्यादा हो गया, 4 बजने वाला है, और अभी हमें घर जाते जाते 2-2.5 घंटा लगेगा, चलते हैं अब। तो जब भी आप लोग गणनाथ मंदिर का अगर प्लान बनाएं, और सबसे पहले पहला जो मंदिर आएगा वो गणेश जी का आएगा, और उसके बाद हनुमान जी का मंदिर, और तीसरा मंदिर है मेन जो गणनाथ ही मंदिर है, और चौथा मल्लिका देवी मंदिर है जहाँ अभी हम गए थे, तो वो था। और टोटल यहाँ मतलब 4 मंदिर हैं, तो वो अलग अलग पार्ट में हैं। तो इस वीडियो का एंड यही करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।